आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है। बड़ा मंगल का जो उत्साह लखनऊ में दिखता है, वैसा नजारा देश में कहीं नजर नहीं आता है। मंदिरों में भीड़ तो सड़क और चौक चौराहों पर भंडारे लगे रहते हैं और भंडारों में प्रसाद के लिए भारी भीड़। वही राजधानी लखनऊ के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े गणमान्य सम्मिलित हुए और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। नहीं, हनुमान जी का तीसरा महामंगल भंडारा हम लोग करा रहे हैं 2015 से, और इसमें सब बड़े खुशी से सब भागीदारी करते हैं और पूरा सहयोग रहता है जनता का, और हनुमान जी की साक्षात कृपा रहती है सबके ऊपर। पर इतनी गर्मी होने के बाद भी लोग भीड़ रहती है और मेरे सब लोग प्रसाद लेने ग्रहण करने आते हैं, और हम मैंने हमारी संगठन तरफ से हमारे लोगों की तरफ से हम करते हैं कि भगवान इसी तरह सबका मैंने कल्याण करते रहें लोगों का, और ऐसे मैंने आशीर्वाद देते रहें, और हम लोग मैंने हर साल इसी तरह भंडारा हनुमान जी का करते रहें, वैसे हम चाहते हैं जनता जी। अरे संख्या मैंने हजारों की तादाद में थे सब, और सब लोगों को किया और बहुत अच्छा रहा सब, और काफ़ी ठीक ठाक था सब जी। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल आज है, जहां शाहजहांपुर में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था कर्मज्ञ ने जेठ के तीसरे मंगलवार को रोडवेज बस स्टैंड परिसर में धार्मिक आयोजन किया और हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती उतारी गई, बच्चों को केला बिस्किट का वितरण किया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में आए भक्तों ने पूरी, आलू पनीर, कद्दू की सब्जी और हलवा भी ग्रहण किया। वही भंडारे में डॉक्टर संजय पाठक, डॉक्टर केडी सिंह, केके सिंह, अभिषेक खंडेलवाल, राजकुमार सक्सेना समेत कई लोगों के सहयोग से इस भंडारे का आयोजन किया गया। शिकंजी कार्यक्रम, फलों के वितरण का कार्यक्रम, हनुमान चालीसा कार्यक्रम, तमाम तरीके का कार्यक्रम जगह जगह बदल के आज भंडारा हमारा ये रोडवेज बस स्टैंड पर हो रहा है। काफ़ी बड़ा भंडारा होता है प्रतिवर्ष, ये कर्म एक संस्था है हम सब लोगों की, उसके माध्यम द्वारा प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। हनुमान जी की विशेष आस्था का दिन है मंगलवार, पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन होता है, जो भी श्रद्धालु जो आते हैं सारा भंडारे प्रसाद लेते हैं और हम सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं पूजा के उपरांत करने के बाद। संस्था है हमारी, इस संस्था से हर जो जेठ के मंगल आते हैं हर मंगल को जो है कहीं ना कहीं स्थान पर या भंडारा होता है या शरबत वितरण है, शिकंजी वितरण है, सोडा वितरण है, ये सारा कार्यक्रम चलते हैं। ज्येष्ठ की आज तीसरा मंगल है, तो तीसरे मंगल को यहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे हर साल, ये लगभग 10-12 साल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और चूंकि यहाँ नीड लोगों की ज़्यादा रहती है, यात्री हैं भूखे प्यासे आते हैं, तो एक सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पर आपको कूलर भी लगे मिलेंगे, पंखे भी लगे मिलेंगे, स्टॉल भी, यानी कोई असुविधा ना हो यात्री को और वो अपना आराम से प्रसाद ग्रहण करे और जाए। ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है, तो भगवान जी की कृपा है, उसी से ये हो रहा है।